मेरे खेत में बहुत ज़्यादा धनिया हो गया, तो मैं सोच रही हूँ आज धनिया कुछ बनाऊँ। तो आज मैं आपको इसकी एक रेसिपी बताती हूँ। नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ कोथिंबीर बड़ा। धनिया मेरे खेत में बहुत हो गया था, तो मैं ले आई और इसको धो के मैंने इसको छलनी में देखिए रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। और फिर इसको मैंने देखिए बारीक काट लिया है, करीब 100 ग्राम धनिया मैंने बारीक काटा है। 100 ग्राम से 150 ग्राम मैंने धनिया लिया है। और इस धनिया के पत्ते को अच्छे से, हरी धनिया के पत्ते को मैंने काट लिया है। तो आप ही ऐसे ही बारीक काट के फिर इसे एक बड़े कंटेनर में रख दीजिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। कोथिंबीर बड़ा एक मराठी डिश है और ये महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डिश है, जो धनिया के पत्तों से बनाया जाता है, जो बहुत ही कम ऑयल में बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। एक्चुअली ये मेरी जो फादर थे तो वो एयरफोर्स में थे, डिफेंस में, तो हम लोग जगह जगह रहे, तो मेरी मम्मी ने वहाँ की डिशेस बनाना हमें भी सिखाया, अपने भी सीखा। तो मैंने सोचा आप लोग साथ ये मराठी डिश शेयर करूँ। तो इस तरह बारीक काट लिया। अब इसमें हमें मिर्ची, अदरक और लहसुन कूट के डालना है। देखिए ये इतना अदरक लेना और थोड़ा सा लहसुन, मैंने एक पूरी इतनी बड़ी इसको छिलके रखा है, और जो ये 10 से 15 तलियाँ हैं, प्लस ये मिर्ची है, हरी मिर्ची। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाते हैं आपके स्वाद के अनुसार। इसको कूट लेना है, आप चाहें तो मिक्सी में भी अदरक पीस सकते हैं। कोथिंबीर बड़ा एक साइड डिश होता है, देखिए मैंने एक बोल के इसको इसमें डाल देना है, ये जो हमने दरदरा पीस के रखा। कोथिंबीर बड़ा तो है बेसन का बनता है, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा ट्विस्टर सलाद का आटा भी डालूंगी। अभी हम थोड़ा बेसन डालते हैं, करीब इसमें एक छोटी कटोरी मैंने बेसन अभी डाला है, और एक कटोरी छोटी कटोरी से सेम प्रोपोर्शन में दाली खाता। इसके अलावा हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ी लाल मिर्च छोटी एक छोटा चम्मच, इसके अलावा जीरा पाउडर छोटी चम्मच से आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच छोटा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तिल। और अब हम इसको मिलाएंगे हाथ से। आपको इसको एक डो की तरह तैयार करना है। अगर आपको इसमें देखिए धनिया ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा बेसन और मिला दीजिए। मैंने थोड़ा बेसन और आगे काटा और मिलाया है, क्योंकि मेरा धनिया थोड़ा ज़्यादा मैंने तौल के तो लिया नहीं था, मैंने अपने खेत का तोड़ा हुआ था। ऐसे आप 100 ग्राम अगर मेथी धनिया ले रहे हैं तो उसमें एक कटोरी बेसन और एक कटोरी उसमें रागी काटे में हो जाएगा। अगर सिर्फ बेसन ले रहे हैं तो करीब 2 कटोरी लगेगा आपका। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखिए सूखा सूखा है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करिए और देखिए फिर इसको मिलाइए। जब ये आटे की तरह घुल जाएगा तो हमें कम नहीं मिलाना। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी खटाई भी डाल सकते हैं हम चाहे। इसको हम स्टीम करके पकाएंगे, और ये स्टीम करके भी खा लो तो अच्छा लगता है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा फ्राई कर दो या डीप फ्राई कर दो। लेकिन अगर आपको हल्दी खाना है तो इसको स्टीम करके और इसको शेल फ्राई करके खाइए। ये डो की तरह तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सरसों तेल या कोई तेल थोड़ा सा डाल दीजिए। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और इसको हमें या तो ढोके की तरह पका सकते हैं, या फिर इसका हम वो अरबी के पत्तों का जो बनाते हैं रिकवच उसकी तरह इसको हम ऐसे लंबे बनाएंगे, लंबा लंबा तैयार करेंगे। और अब हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे। तो एक पतीले में खौलता हुआ पानी लीजिए और एक जाली का बर्तन, कुछ इस तरह से एक पतीला लेना है, उसमें पानी डाल लेना है, और जब इसी में एक जाली कर देना है। लेकिन यदि आप इसको इडली के बर्तन में बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मोमोस का बर्तन है उसमें बना सकते हैं। मेन है स्टीम करना है, जैसे ढोकला बनाते हैं तो थाली में रखते, वैसे भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। मैं इसको अरबी की पत्ते की रिकवच की तरह बनाऊंगी। अब इसमें हमें अपना वो जो हमने रोल सा बना के रखा था वो रख देना है, कुछ इस तरह से रख देना। जाली में थोड़ा सा बीसिंग जरूर रखना है, थोड़ा सा तेल लगाया है, कुछ इस तरह से रख देना है, इसको ढक देना है। देखिए इस तरह से ढक देना है। अभी ये जो थोड़ा सा हल्का सा खुला रखिए, जो ये स्टीम जो हल्का सा खुला, और ये जो स्टीम बन रहा है ना देखिए किसी से बच जाएगा, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसको आप स्टीम से पक लीजिए, थोड़ी देर बाद हम इसको खोल के देखेंगे। खोल के आप इसको देख सकते हैं, स्टीक लेंगे और इसमें काटेंगे जल्दी कुर्ते के चम्मच के पीछे से। अगर उसमें चिपक रहा है, नाइफ ले लीजिए, चिपक रहा है तो ये नहीं पका, अगर वो नहीं चिपक रहा तो पक गया। तो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको, और इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। करीब 10 मिनट हो गया, तो मैं इसको खोल के देखती हूं मेरा कोथिंबीर बड़ा का क्या हाल है। देखिए ये कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम एक नाइफ से या चाकू से या फिर चम्मच के पीछे से इसमें या किसी लकड़ी से कुर्ते पैर से इसमें डाल के देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। इसमें कुछ इस तरह से आप चाकू लगा के देखिए, ये चाकू में अभी हल्का चिपक रहा है, देखिए अभी थोड़ा और पकेगा ये। तो अभी और करीब 5 मिनट के लिए हम इसको अभी पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ऐसे चिपकेगा नहीं तब हम इसको हम निकाल, ये वाला देखिए इसमें चिपका नहीं, ये वाला पक गया है, और ये वाला ये भी पक गया है, ये हल्का सा और पकेगा। तो अभी ये थोड़ा मोटा है इसलिए इसको टाइम लग रहा है, अभी हम इसको और थोड़ी देर पकने देंगे। ये बिल टाइट सा हो गया है, करीब 5 मिनट बाद देखिए ये पक चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, अब इसको निकाल के हम इसको काट लेंगे पीस पीस। देखिए कुछ इस तरह से रिकवच के जैसे इसे काट लेना है, और फिर पैन या तवा लेके या कढ़ाई में आप डीप फ्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा तेल डाल के और फिर आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और इसे हम ऐसे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से इसको डाल के एक साइड ब्रेड हो जाए तो इसको देख करके सबको पलट दीजिए। फ्लेम को तेज ही रखिए ताकि जल्दी हो जाए, थोड़ा थोड़ा तेल चम्मच से या ऐसे स्प्रिंकलर से स्प्रिंकल दीजिए सबके ऊपर। अब इसको देखकर आप पलट दीजिए, देखिए इस तरह से रेड हो गया पूरा, देखिए इस तरह जब रेड होने लगे तो सबको ऐसे पलट दीजिए। कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया है, कम कर दीजिए।
तो इस तरह से कुछ पूरी तरह दोनों तरफ से चार तरह से लाल हो गया, तो इसे खाइए। ये एक स्नैक्स की तरह या फिर साइड साइड डिश की तरह खा सकते हैं, चाय के साथ या फिर नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप प्लेन बनते दीजिए, देखिए पक गया हमारा। देखिए कुछ इस तरह से ये सब तरफ से लाल हो जाए तो ये आपका डिश तैयार हो गया। ये एक साइड डिश है और हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह भी खाया जा सकता है, चाय के साथ, स्नैक्स की तरह, इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाइए, एक साइड डिश बनाइए और खाइए, और बताइए कि कोथिंबीर वड़ा आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।